सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत में पूछे जाने वाले अनुच्छेद का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि विश्वास ना हो तो आप लिख के रख लीजिए कि हम जो आज 7 अनुच्छेद बताने वाले हैं उनमें से लगभग 4 अनुच्छेद आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 1 से लेकर 2 तक के अनुच्छेद का ही जवाब आप सभी को आंसर शीट में लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सरस्वती पूजा के बारे में जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा के बारे में अनुच्छेद पूछा जाएगा तो आसान शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेगा मध्य शुक्ल पक्ष मायः सरस्वती पूजनम भवति, यानी मध्य शुक्ल के पंचमी में सरस्वती की पूजा की जाती है। अस्मिन दिने छात्रः, यानी इस दिन छात्र एवं छात्राएँ विद्यालय में जाकर गंध पुष्प फल मिष्टान दिभि सरस्वती पूजम करवती, यानी इस दिन छात्र एवं छात्राएँ विद्यालय जाकर फूल हो गया, मिष्टान भोजन हो गया, मिठाइयों के माध्यम से सरस्वती की पूजा याचना करती हैं। उसके बाद में लिखेगा कि पूजायः अंतरणम प्रसादस्य वितरणम भवति, यानी पूजा के अंत में जब ये सरस्वती पूजा हो जाती है उसके अंत में तमाम छात्र एवं छात्राएँ मिष्टान भोजन यानी मिठाइयों का वितरण करते हैं, मिठाई आसपास लोगों को बांटते हैं और खिलाते हैं। अस्मिन अवसरे, यानी इसके अवसर पे नृत्य गीत आदि कार्यक्रम अपि संपदते, इसी के शुभ अवसर पे नृत्य गान यानी नाचने और गाने की जो कार्यक्रम होती है ये भी इसका भी समापन होता है। प्रायः प्रातः काले नद्धाम तड़ागे व प्रतिमायः विसर्जनम क्रियते, उसके बाद में ये सभी क्रियाकलाप होने के बाद तमाम छात्र एवं छात्राएँ सरस्वती की प्रतिमा को नदी तड़ागे यानी नदी में जाकर उसका विसर्जन करके चले आते हैं। विद्यानुरागिणः अन्य जना अपि सरस्वती पूजनम कुर्वती, ये विद्या से संबंधित लोग के साथ साथ अनेक लोग भी भारत के जितने भी तमाम लोग हैं लगभग सभी के सभी सरस्वती पूजा के शामिल पूजा में शामिल होते हैं और विद्या अर्जन करने की कामना करते हैं। अब आइए जाने जा रहे हैं कि होलिका उत्सव यानी होली के उत्सव में हम अनुच्छेद कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा कि होली उत्सव सर्वजनानाम कृते प्रिय उत्सव अस्ति, यानी होली का जो उत्सव है, होली का जो त्यौहार है, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रिय त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इसमें तमाम लोग आनंद मगन हो जाते हैं। अयम उत्सव यानी इस उत्सव में भारतस्य यानी भारत का प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, यानी ये जो उत्सव है, ये जो त्यौहार है, ये भारत के तमाम त्यौहारों में सबसे ज़्यादा खुशी एवं उत्सव का त्यौहार माना जाता है। परा हिरण्यकश्यपु नाम राजा अभवत, यानी एक समय पहले की बात है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था। तस्य पुत्र प्रह्लाद ईश्वर भक्त अभवत, और उसी के पुत्र जिसका नाम था भक्त प्रह्लाद, वह ईश्वर का भक्ति करने में लीन रहता था। हिरण्यकश्यपिषु यानी हिरण्यकश्यप जो था स्वतंत्रम मातिप्रम इच्छा अस्मि, यानी वह चाहता था कि हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं, और वे अपने आप को भगवान घोषित करके लोगों से अपनी पूजा याचना कराना चाहता था। परंतु प्रह्लाद जो उसका पुत्र था ईश्वर प्रसादेन सुरक्षिता आसीन, वे चाहते थे कि ईश्वर ही एक ऐसा ईश्वर है जो इस दुनिया में हमें, तुम्हें और ये तमाम सृष्टि को रचना करने वाला है, यही सभी की रक्षा भी करता है। हिरण्यकश्यपिषु स्वभाग्यम होलिका प्रह्लादस्य वध अस्कृते नये नोजतः, उन्होंने क्या किया कि अपने ही स्वयं अपनी भग्नी होलिका का दहन करने के लिए, वध करने के लिए सोचा। अग्नि होलिका यानी अग्नि और होलिका तो अभवत परम प्रह्लाद सुरक्षित अस्मिन, लेकिन भक्त प्रह्लाद जो है ये सुरक्षित उसमें बच जाते हैं। अंतः च भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपिषु अमारयत, उसके बाद में स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर और भक्त प्रह्लाद के पिता जिनका नाम है इस पाठ्य पुस्तक में बताया गया हिरण्यकश्यप, उनकी हत्या कर देते हैं। होलिका दहन मृद भसी होलिका उत्सव पार्वत अभ्युमुक्तोत्सव फागुन मासे पूर्णिमा मन्यते, यानी यह जो होलिका का उत्सव है ये फागुन माह के पूर्णिमा में मनाई जाती है, जिसमें तमाम भारतवासी आनंद मगन हो जाते हैं। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि गंगा नदी पर अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। दोस्तों गंगा एका पवित्रा नदी वितते, यानी गंगा नदी जो है वह एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र एवं पावन नदी है।
यम यानी यह हिमालयात निर्गच्छति यानी यह नदी हिमालय से होकर गुजरती है। अस्य जलम पवित्रम पापनाशकम भवति यानी इसके जल से पवित्र होकर तमाम मनुष्य का पाप का नाश हो जाता है यानी सभी मनुष्यों के पाप गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात धुल जाते हैं। धार्मिक जना यानी धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पे लोग गंगाया स्नानम कृत्वा पुण्यम लभन्ते यानी धार्मिक दृष्टिकोण से लोग यहाँ पे आकर स्नान करते हैं और लाभ उठाते हैं। इसके बाद में लिखिएगा कि हिंदू नाम सर्वाणी यज्ञ कर्माणी गंगा जलनई सांपणी भवंती यानी हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वे सभी अपने यज्ञ कर्मकांडी यानी जितने भी कर्मकांड अपने धर्म आडंबर के संबंधित जितने भी पूजा पाठ करते हैं उसमें गंगा जल का होना अनिवार्य समझते हैं और गंगा जल की उपस्थिति के साथ ही उनकी पूजा संपन्न होती है। अस्य यानी यह तटे अनेकानी विशालानी नगराणी तथा तीर्थ स्नानानी औषिथानी संति यानी इसमें अनेक विशाल नगर के लोग तथा अनेक तीर्थ यात्रा करने वाले लोग आकर इसमें स्नान करते हैं। श्रूयते यानी सुना जाता है कि पुरा निरीपह यानी यहाँ पे राजा महाराजा भागीरथ यानी भागीरथ स्वर्गात गंगा पृथ्वीवयम अनीतवान यानी कहा जाता है कि महाराज जो भागीरथ थे इन्हीं के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाया गया था। अब आइए जानने जा रहे हैं कि हिमालय पे कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है। आसान शब्दों में लिखिएगा कि भारतस्य यानी भारत का उत्तरस्याम यानी उत्तर दिशा में दिशि पर्वत राजा हिमालयम वर्तते यानी भारत के उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय को कहा जाता है। अयम पर्वत यानी यह पर्वत हिमच्छादित अस्ति यानी हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालयात निर्गतत्य नदह भारत भूमि उत्तराक्रमंती यानी हिमालय जो है ये भारत के उत्तर भूमि में पड़ती है। उर्वरा क्रवंती अस्य कंदरास ऋषियः तपस्या क्रवंते अस्म यहाँ पे बड़े से बड़े तपस्वी लोग भी अपने तपस्या का जो काम काज है वो हिमालय नदी पे जाकर किया करते थे। अधुनापि तत्र दीर्घजीवनः योगिनः यहाँ पे लंबे समय तक लोग जीवन यापन कर रहे थे। यदा कदा जब जब तथा कब कब दृश्यन्ते देखा जाता था कि हिमालय बहुविधानि काष्ठानि खनिज द्रव्याणि औषधानि च मिलन्ति यानी यहाँ पे कभी कभी एक ऐसा हुआ करता था कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ से विद्या कष्टानी लोगों के कष्टों को दूर होता था। खनिज लवण तथा द्रव्य के रूप में बहुत सारे यहाँ पे इलाज करने के युग में औषधि का भी यहाँ पे बहुत सारे औषधि ही मिलते थे कहाँ पे तो हिमालय से। अस्य उच्चतमे इसलिए यह उच्चतम शिखरे शिखर महादेवस्य निवासः पुराणे वर्ति इसलिए यह जो ऊँचे शिखर है इसी पे महादेव यानी भगवान शंकर का निवास स्थान माना गया है और यह जानकारी पुराण में वर्णित किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जानने जा रहे हैं आदर्श ग्राम यानी अपने आदर्श श्राम समाज आदर्श गांव के बारे में अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है आसान भाषा में जान लेते हैं। देखिए भारतस्य यानी भारत का आत्मा ग्रामेशु निवसति यानी भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। स्वयं यहाँ पे प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। वे स्वयं भारत माता चैप्टर में कहते हैं कि भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है इसलिए उन्होंने अपना कविता में एक लाइन लिखा है भारत माता ग्रामवासिनी यानी भारत माता गांव में निवास करती है। तो यहाँ पे लिखेगा भारतस्य आत्मा यानी भारत की आत्मा ग्रामेषु निवसति यानी गांव में निवास करती है। मम ग्रामः मेरा गांव पश्चिमी चंपारण मंडले हालांकि मेरा जो गांव है वो पूर्वी चंपारण मंडले यहाँ पे हम पूर्वी चंपारण मंडले बता देते हैं। यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिख लीजिएगा लिखेगा भारतस्य आत्मा ग्रामेषु निवसति यानी भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। मम ग्रामः मेरा गांव पूर्वी चंपारण मंडले अस्ति पूर्वी चंपारण मंडल में पड़ता है। अस्य ग्रामस्य यानी इस गाँव का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं कोटवा या मोतिहारी लिख देते हैं। यहाँ पे बोलिए गया कि अस्य ग्रामस्य यानी मेरे गांव का नाम कैलाश नगर यहाँ पे लिखा गया है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। हालांकि नाम यहाँ पे मेरा क्या है दोस्तों मेरा गांव का नाम मोतिहारी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस्य नाम मोतिहारी अस्ति यानी मेरे गाँव का नाम मोतिहारी है।
अत्र जना कृषि काज कुर्वन्ती, यहाँ पे सभी के सभी जना सभी के सभी लोग कृषि के संबंधित काज करते हैं। मम ग्राम वासिनः सरला सन्ति, ते सर्वे मिलित्वा एकत्वाभावेन सुखपूर्वम जीवनम यापवन्ति, यानी यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं और सभी सुखों का एक दूसरे के साथ मिलकर बांट करके जीवन यापन करते हैं। अस्मिन् ग्रामे, इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, यानी इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, एक प्राथमिक स्कूल भी है। एकम शिव मंदिरम अपि, यानी हमारे गांव में एक शिव का मंदिर भी है। अहम स्वग्रामे सुख अनुभवी, और मैं अपने गांव में सुख का अनुभव करता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये लिख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अनुशासनम, यानी अनुशासन पे कैसे अनुच्छेद लिखा जाता है। दोस्तों अनुशासनमस्य अस्माकम जीवने अति महत्वम अस्ति, अनुशासन जो है ये तमाम मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनुशासन शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक शासनम शब्देन निर्मित अस्ति। अस्माकम का जो शब्द है ये अनु उपसर्ग से मिलकर और शासन के शब्द से निर्मित बना अस्माकम, यानी अनुशासन शब्द है। अस्य यानी इसका अर्थ मस्ति, यानी इसका अर्थ होता है शासनस्य अनुसरणम, यानी शासन अनुसरण के अनुसार करना चाहिए। अतः यानी नियमनाम पालनम नियंत्रणम स्वीकरणम व अनुशासनम कथ्यते, यानी अनुशासन के द्वारा ही मनुष्य का अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलता है। जीवनस्य यानी जीवन का प्रत्येक अस्मिन् क्षेत्र का कतिपयानम नियमनानम पालनम आवश्यकम वर्तते, यानी जीवन के सभी क्षेत्र में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनुशासन के वजह से ही नियमों का पालन किया जाता है और ये अनुशासन तमाम मनुष्यों में होना काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रातः शीघ्र जागरणम नियमितः व्यायाम नियमने स्वकार्यकरणम कार्य प्रति पूर्ण समर्पणम अनुशासितः जीवनस्य अंगनामी सन्ति, तमाम मनुष्य को प्रातः सुबह सुबह जल्दी से उठना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से अपना काम करके अपना भोजन ग्रहण करके अपने अनुशासन के प्रति जीवन में अनुशासन का एक आधार बनाकर एक रूटीन बनाकर जीवन जीना चाहिए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम पेपर में आज के वीडियो में बताया गया सभी के सभी अनुच्छेद, इस विश्वास कीजिए मैं 100% कहता हूँ ना जी, 100% 4-5 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे, जिनमें से केवल शायद आपको एक या दो क्वेश्चनों का जवाब लिखना पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं कि भारतवर्ष यानी भारतवर्ष के बारे में कैसे अनुच्छेद लिखा जाएगा। तो देखिए अस्माकम देश यानी हमारे देश भारतवर्ष अस्ति, हमारा जो देश है वो भारतवर्ष है यानी भारत है। अस्य उत्तरस्य यानी इसके उत्तर पर्वत राजा हिमालय शोभते, इसके उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है जो भारत की शोभा बढ़ाए हुए हैं। भारतस्य यानी भारत का संस्कृति यानी संस्कृति प्राचीनतमा विद्यते, प्राचीन काल से ही इसकी संस्कृति एवं शोभा बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। अस्मिन् देश है यानी इस देश में व्यास वाल्मीकि कालिदास प्रभृति, इस देश में महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी और कालिदास जी, ये सभी के सभी बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भारत देश में ही जन्म लिए थे। महाकाव्य अभवन अत्रयी विद्वानिदानी में ही सर्वविदानी शास्त्राणी निर्मताणी, यानी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों की विद्या और सरस्वती की विद्या और बड़े से बड़े विद्वान यहीं से विभूषिति पाए हुए हैं। गंगा यमुना सरजू ब्रह्मपुत्रस्य नदी भारतस्य भूमि उर्वरा कुर्वन्ति, यानी इस भारत में गंगा यमुना सरयू नदी ब्रह्मपुत्र नदी सरस्वती नदी ये सभी के सभी नदियाँ भारत के भूमि से होकर ही बहती है। अस्मिन् देशे इस देश में षड ऋतवो भवन्ति, इस देश में लगभग 5 ऋतु होते हैं। पूरा अभवन संपन्नम देशः पराधीन आसीत किंतु इदानी स्वतंत्र सर्जात,
जितने भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो को देखे हैं या जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि 100% आप सभी को अनुच्छेद का इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। यदि आप इसका PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com का लिंक दे दिया गया है, उस पर से भी जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकेंगे, या आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टीच को एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जैसे मोबाइल ऐप को ओपन कीजिएगा ना, तो वहाँ पर आपको एक PDF का सेक्शन मिलेगा। PDF वाले सेक्शन में जाकर तमाम PDF को आप आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।